हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाली संगीत से संबंधित परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि तालों से संबंधित हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रूपक ताल का छंद है दो 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 तीन, दो तीन दो, तीन दो दो, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री, तीन दो दो। तीन दो दो जो है वो रूपक ताल का छंद रूप है, अर्थात इसके बोलो यानी कि मात्राओं में उक्त छंद दिखाई देता है। रूपक ताल हिंदुस्तानी संगीत में एक लोकप्रिय ताल है जो भजनों और गीतों में आम है। इसमें तीन विभूतियों में इसकी सात मात्रिकाएं होती हैं। तीन विभूतियों का मतलब क्या है कि तीन विभागों में सात मात्रिकाएं यानी कि मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, तीन दो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल की त्रिगुण एक आवर्तन में कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगी, छः, आठ, दस या बारह। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये चारों ऑप्शंस ही गलत हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कि सारे ऑप्शंस गलत रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना ही सही होता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 15 मात्रा, क्योंकि 15 मात्रा पंचम सवारी ताल की मात्रा होती है, पंचम सवारी ताल 15 मात्रा की होती है, इसलिए इसका त्रिगुण भी एक आवर्तन में 15 मात्राओं के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए इसका सही आंसर 15 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चंस हो और उसके ऑप्शंस गलत हों तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही सही होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो तीन दो तीन छंद किसका है, झप ताल का, तीव्रा ताल का, तीन ताल का या कहरवा ताल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, झप ताल। दो तीन दो तीन छंद जो है वो झप ताल का है। झप ताल 10 मात्रे की ताल होती है, 10 मात्रे की ताल होती है झप ताल, और इसके जो बोल होते हैं वो भी 10 मात्रा के ही होते हैं। यह ताल गीत, ख्याल गायकी आदि के साथ बजाई जाती है। इस ताल में तीन तालियां होती हैं और एक खाली होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, झप ताल। धमार ताल कितने मात्रा की होती है, 10, 14, 15 या 16। धमार ताल जो होती है वो 14 मात्रे की ताल होती है। इसमें 14 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। धमार ताल का जन्म ब्रज भूमि के लोक संगीत से हुआ है और इसका प्रचलन ब्रज के क्षेत्र में लोक गीत के रूप में बहुत समय से चला आ रहा है। इस लोक गीत में वर्ण्य विषय राधा कृष्ण के होली खेलने का रहता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, 14। क्वेश्चन 5 है, यह कौन सी ताल है। यहाँ पर एक बोल समूह दिया गया है जिसे कि आपको देख के पहचानना है कि ये बोल समूह किस ताल का है। ती तीना धीना धीना, झप ताल, रूपक ताल, कहरवा ताल या दादरा ताल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दो, रूपक ताल। रूपक ताल 7 मात्रा की ताल होती है। इसका छंद रूप जैसे कि अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा, तीन दो दो इसका छंद रूप होता है और ये 7 मात्रा की ताल होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, रूपक ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न बोल क्रम में धमार ताल के बोल क्रम कौन से हैं। तू ना कत्ता, ती ना धी धीना, किट धा दिन धा या धा ग दिन। फ्रेंड्स, अगर आप ये चारों ऑप्शंस देखें तो ये चारों ऑप्शंस ही गलत हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो धमार ताल का बोल समूह हो।
धमार ताल में कुल 14 मात्रा होती हैं और इसके 4 भाग होते हैं। धमार ताल के जो बोल होते हैं वे इस प्रकार होते हैं, का धीट धीट धा आ, गा तीट तीट ता आ। तो ये होता है, जिसको मैं आपको लिख के बता देती हूँ कैसे होगा। का धीट धीट धा। तो फ्रेंड्स ये इसके बोल समूह होते हैं, का धीटे धीटे धा आ, गा तीटे तीटे ता आ। इसे हम विभाजित कर देंगे, विभाग लगा देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया है धमार ताल का ठेका। सम 2 0 3। तो ये हो गया धमार ताल का ठेका, धमार ताल के बोल आप इससे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती हैं, 44 48 56 या 64, 44 48 56 या 64। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 64, क्योंकि 3 ताल होती है 16 मात्रा की और इसको अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 चौको 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। क्वेश्चन है कि झप ताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है, 2री 3री 4थी या 5वीं। झप ताल की जो 8वीं मात्रा है तो उस पे कौन सी ताली पड़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 3। झप ताल की 8वीं मात्रा पर 3री ताली पड़ती है। झप ताल जो कि 10 मात्रा की ताल है, तो इसकी जो 3री ताली पड़ेगी वो 8वीं मात्रा पर पड़ेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या धमार। जत ताल जो है वो ठुमरी गायन शैली के साथ प्रयोग की जाती है। जत ताल का प्रयोग ठुमरी गायन के साथ किया जाता है, जबकि ध्रुपद शैली के साथ चार ताल, सूल ताल आदि का किया जाता है। ख्याल शैली के साथ 3 ताल, झप ताल और तिलवाड़ा ताल, झूमरा ताल आदि, और धमार शैली के साथ प्रायः धमार ताल ही प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है, तीवरा, धमार, चार ताल या दीपचंदी ताल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, दीपचंदी। स्वरूप की दृष्टि से ठुमरी हल्की और प्रायः विषय आसक्त है। इसका संबंध राधा कृष्ण भक्ति संप्रदाय से रहा है और कथक ने इसे संवारा है। 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में, जो अत्यधिक रसिक थे, तो उनके समय में ठुमरी बहुत लोकप्रिय हुई थी। ठुमरी सामान्यतः छोटी लंबाई अर्थात कम मात्रा वाले तालों में गाई जाती है, जिनमें कहरवा, दादरा और झप ताल प्रमुख तालें हैं। इसके अलावा दीपचंदी और झप ताल का ठुमरी में काफ़ी प्रचलन रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 दीपचंदी हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you.